दोस्तों, अंतरिक्ष में एलियंस की मौजूदगी अब तक के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ब्रह्मांड में एलियन का अस्तित्व है या नहीं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिक कई सालों से लगे हैं, लेकिन एलियंस को लेकर उन्हें अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले। वैसे तो आए दिन एलियंस को लेकर अजीबोगरीब दावे किए जाते हैं, जिसमें कुछ लोगों द्वारा धरती पर एलियन देखे जाने का दावा किया जाता है, तो कभी कभी यूएफओ को देखे जाने की बात सामने आती है। लेकिन इनमें सच्चाई कितनी है ये किसी को नहीं पता। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एलियंस को लेकर एक ऐसा दावा किया है जो हैरान कर देने वाला है। इस खुलासे के बाद ये लगने लगा है कि इस ब्रह्मांड में शायद हम अकेले नहीं हैं। अभी तक एलियंस को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो सच हो सकते हैं और कहीं न कहीं उनकी इस दुनिया में मौजूदगी है। तो चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि क्या सच में इस ब्रह्मांड में एलियंस है। तो ये कहा जा रहा है कि इस ब्रह्मांड में इंसानों के साथ साथ एलियंस भी रहते हैं, और अगर एलियंस हैं तो फिर वो कहाँ हैं? दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी हाल ही के एक शोध में पता चला है कि पृथ्वी की सतह से टकराने वाले क्षुद्र ग्रहों में कुछ ऐसे यौगिक हैं जिन्हें शोधकर्ताओं ने कुछ साल पहले तैयार किया था। वैज्ञानिकों द्वारा ये यौगिक 1957 से 1968 के बीच एक प्रयोगशाला में तैयार किए गए थे। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि ये यौगिक बिजली के बेहतर कंडक्टर साबित होंगे। वैज्ञानिकों ने इनका नाम हीडाइट और ब्रेजनाइट रखा था, लेकिन शोधकर्ता तब हैरान हो गए जब धरती पर अंतरिक्ष से आए उल्कापिंडों में भी यही यौगिक देखे गए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी कि ये यौगिक जो कि उल्कापिंड में पाए गए थे, उनका निर्माण पृथ्वी पर किसी प्रयोगशाला में नहीं हुआ था। ये देखकर दुनिया का सबसे तेज दिमाग माने जाने वाला मानव यानी कि वैज्ञानिक भी आश्चर्य में पड़ गए। वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये खनिज अंतरिक्ष की चट्टानों तक कैसे पहुंचे। इसे लेकर लगभग 6 दशकों से वैज्ञानिकों की खोज जारी है, लेकिन वो इस रहस्य को अब तक नहीं सुलझा पाए हैं। इसे लेकर केंद्रीय विश्वविद्यालय वेनेजुएला के भौतिक विज्ञानी बीपी एम्बेड उन खनिजों के बीच बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया था। इस मामले को लेकर बीपी एम्बेड का कहना है कि ये संभव है कि यौगिक जो अंतरिक्ष से यहाँ आए हैं वे प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम हो। एम्बेड का मानना है कि ये कंपाउंड दूसरे ग्रहों की टेक्नोलॉजी का प्रमाण हो सकते हैं। एम्बेड का तर्क है कि ब्रेजिनाइट और हेडाइट अद्वितीय फार्मुलेशन और लेयरिंग के साथ बेहद अजीब खनिज थे, पर यकीन किया जा सकता है कि वे स्वाभाविक रूप से बने नहीं हो सकते हैं बल्कि इन्हें बनाया गया है। एम्बेड के मुताबिक ये किसी विदेशी प्रयोगशाला से आए खनिज हैं। इस पर पूरे खुलासे को एलियंस से जोड़ा जा रहा है। हालांकि एक विवादास्पद प्रस्ताव लगे, लेकिन इसके अर्थ काफी रोमांचित हो सकते हैं। ऐसे वैज्ञानिक जो एलियन के टेक्नो सिग्नेचर को ढूंढना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, लेकिन उन्हें ही एम्बेड के सुझाव पर यकीन नहीं है। उन्हें लगता नहीं कि इन कंपाउंडों के सहारे वो एलियन तकनीक को साबित कर सकते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक खगोल विज्ञानी एडवर्ड शूटरमैन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ये खनिज एलियंस की पुष्टि करते हैं। हालांकि ये सच है कि खनिजों को उनके तथाकथित आविष्कार के कुछ ही सालों के बाद उल्कापिंडों में पाया गया था, लेकिन निराशाजनक रूप से बस ये सिर्फ एक संयोग है। शूटरमैन ने कहा कि खनिज हजारों लाखों सालों से अंतरिक्ष में रहे हैं और संभवतः अंतरिक्ष मलबे के अनगिनत टुकड़ों में पाए जा सकते हैं। एम्बेड की परिकल्पना एलियंस के अस्तित्व को साबित करने के लिए काफी है या नहीं ये देखा जाना भी बाकी है। लेकिन इस बीच एक अंतरिक्ष विज्ञानी बोफिन का कहना है कि हम आने वाले 25 सालों के अंदर एक नए ग्रह पर जीवन की खोज करने में सफलता हासिल कर लेंगे। स्विट्जरलैंड के एटीएच ज्यूरिख इंस्टीट्यूट के भौतिक विज्ञानी डॉक्टर शाशा क्वांज ने कहा कि उन्हें यकीन है कि वो सिर्फ 1/4 सदी में एलियंस को ढूंढ पाएंगे। हालांकि साशा क्वांज ने कहा कि सफलता की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम रास्ते में कई शानदार चीजें सीखने जा रहे हैं। साशा ने कहा कि आज के दौर में हमारे पास जो भी तकनीक है उनसे ये तो पता चल गया कि हम ब्रह्मांड में अकेले जीव नहीं हैं, अन्य ग्रहों पर भी जीवन मौजूद हो सकता है, बस जरूरत है उन्हें खोजने की, उनसे संपर्क साधने की। साशा का कहना है कि साल 1995 में उनके साथी और नोबेल पुरस्कार विजेता डिडियर क्यूलोज ने सौर मंडल से बाहर पहला ग्रह खोजा था। आज 5000 से ज्यादा बाहरी ग्रहों की खोज की जा चुकी है। अब तो हर दिन नए ग्रहों यानी एक्सप्लोनेट्स की खोज की जा रही है। अभी कई एक्सोप्लोनेट्स की खोज होना बाकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी आकाश गंगा में 10,000 करोड़ तारे हैं। हर तारे का एक साथी ग्रह भी है।
यानी सौर मंडल से बाहर असंख्य एक्सो प्लैनेट्स हैं और हमें यकीन है कि जल्द ही हम ऐसा ग्रह भी खोज लेंगे जहां एलियंस या दूसरी दुनिया के लोग रहते हैं और उनसे मुलाकात करेंगे। एलियंस को लेकर किए जा रहे इन अलग अलग दावों और मुलाकात को लेकर एक नई थ्योरी सामने आई है जिसमें चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। इस नई थ्योरी में बताया गया है कि अभी तक एलियन और इंसानों के बीच क्यों संपर्क नहीं हुआ। दो खगोल जीव विज्ञानियों ने नई थ्योरी के जरिए सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के डॉक्टर माइकल वोंग और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डॉक्टर स्टुअर्ट बार्टलेट ने यह स्टडी की है जो रॉयल सोसाइटी में प्रकाशित हुई। इस थ्योरी के मुताबिक इंसानों से ज्यादा एलियन समझदार हैं। वैज्ञानिकों ने तर्क देते हुए कहा कि इंसानों की तरह ही एलियन सभ्यता भी खत्म होती जा रही है। इसकी वजह से वो इतने सक्षम नहीं हैं कि खोज करने की क्षमता का विकास कर सकें। इतिहास में कई इंसानी सभ्यताओं ने भी ऐसी प्रक्रिया का सामना किया है। वैज्ञानिकों ने स्टडी में बताया है कि धरती पर कई इंसानी सभ्यताओं का एक समय के बाद पूरी तरह से खात्मा हो गया है। उदाहरण के तौर पर रोमन साम्राज्य और प्राचीन मिस्र की सभ्यता को देख सकते हैं। एलियन भी ऐसे विकास और विनाश से नहीं बचे होंगे। वोंग और वार्टलेट ने कहा कि जब कोई सभ्यता असीम विकास करती है तो एक बड़ी आबादी को जन्म देती है। इस तरह से सीमित समय में संसाधनों की असीमित मांग बढ़ जाती है। इसकी वजह से एक सभ्यता के खत्म होने की घटना घटती है। दोस्तों, एलियंस को लेकर किए गए इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो शायद किसी को भी नहीं पता, लेकिन इस बीच एक दुर्लभ किताब सामने आई है जिसमें दूसरी दुनिया होने का दावा किया गया है। इस दुर्लभ किताब को 17वीं शताब्दी में लिखा गया था जो इंग्लैंड में मिली है। इस किताब में दो ग्रहों पर दूसरी दुनिया होने की बात कही गई है। इन दोनों के ग्रहों के नाम जानकर आप हैरान हो जाएंगे। किताब में जिन दो ग्रहों पर दूसरी दुनिया होने की बात कही गई है वो शनि और बृहस्पति ग्रह हैं। इस किताब में लिखी बातों पर शायद कोई यकीन करे, लेकिन एलियंस और दूसरी दुनिया को मानने वाले लोग इस पर यकीन कर सकते हैं। इस दुर्लभ किताब को 324 साल पहले लिखा गया था। बताया जा रहा है कि गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, खगोलशास्त्री क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने साल 1968 में इस किताब को लिखा। उन्होंने सवाल करते हुए कहा था कि क्या ईश्वर दूसरे ग्रहों का निर्माण धरती से देखने के लिए करेगा। उनका कहना था कि इसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो उद्देश्य जीवन है। इंग्लैंड में मिली इस किताब में कई हैरान करने वाली बातें लिखी गई हैं। इसमें कहा गया है कि किसी को भी दूसरी दुनिया के लोग पकड़ सकते हैं। इसके अलावा वो कोई चीज भी फेंक सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जमीन से छोटी वस्तु भी ले सकते हैं। दोस्तों, एलियंस को लेकर किए गए ऐसे कई दावे हैं जो उनके होने का एहसास कराते हैं, लेकिन शायद जब तक इंसान साक्षात एलियन से मुलाकात नहीं कर लेता तब तक इन बातों पर यकीन करना मुश्किल लगेगा। और ये कब होगा इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसा होगा भी या फिर नहीं।